कुलबेली में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे बाल कहानियाँ, इतिहास के रोमांचक किस्से और हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई मजेदार बातें। मैं हूँ आपका होस्ट ज्ञानेश और आज मैं लेके आया हूँ तेनालीराम के सूझबूझ का एक किस्सा जिसका शीर्षक है किसका बटुआ। एक बार हम्पी के बाजार में किसी का बटुआ गिर गया जो एक भिखारी को मिला। बटुआ खोलने पर भिखारी ने पाया कि उसमें 100 स्वर्ण मुद्राएं थी। तभी भिखारी ने एक व्यापारी को चिल्लाते हुए सुना जो कह रहा था, मेरा बटुआ खो गया है, मेरा बटुआ खो गया है, जो ढूंढ कर देगा मैं उसे इनाम दूंगा, जो ढूंढ कर देगा मैं उसे इनाम दूंगा। भिखारी ईमानदार इंसान था, वो व्यापारी के पास गया और उसे बटुआ वापस करके अपना इनाम मांगा। बटुआ वापस मिलने के बाद व्यापारी के मन में लालच आ गया। वो बोला, इनाम? कैसा इनाम? तुझे तो मैं पुलिस को दूंगा। इस बटुए में 200 स्वर्ण मुद्राएं थी, तू पहले ही इसमें से 100 स्वर्ण मुद्राएं चुरा चुका है, तेरा इनाम कैसा? मैं ईमानदार आदमी हूं, चोर नहीं, भिखारी बहादुरी से बोला। चलिए मैं खुद ही राजदरबार में चलता हूं, महाराज ही इसका न्याय करेंगे। दोनों राजदरबार में पहुंचे और वहां जाकर अपनी अपनी बात राजा कृष्णदेव राय के सम्मुख रखी। सारी बात सुनकर महाराज ने तेनालीराम से इसका फैसला करने को कहा। तेनालीराम ने कुछ देर पूरे मसले पर विचार किया, फिर बोला, महाराज मेरे विचार से ये दोनों ही सच बोल रहे हैं। व्यापारी, तुमने कहा कि तुम्हारे बटुए में 200 स्वर्ण मुद्राएं थी, जबकि इस बटुए में तो मात्र 100 स्वर्ण मुद्राएं ही हैं। भिखारी, स्वर्ण मुद्राएं इतनी जल्दी कहीं नहीं छुपा सकता, और वो भी गिनकर पूरे 100। तो मेरे विचार से ये बटुआ ही तुम्हारा नहीं है। महाराज ने तेनाली के फैसले को सही ठहराते हुए 100 स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ बटुआ भिखारी को वापस सौंप दिया और व्यापारी को अपने लालच की सजा मिल गई। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।